हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के योगदान तथा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये गांधी एरा का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाके आप उन दोनों वीडियो को भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक पूना पैक्ट 1932 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजगोपाल आचार्य हो जाएगा। दोस्तों, 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आया था जिसके तहत दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, परंतु महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे। फिर 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को समाप्त करके प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीट्स की जगह 148 सीट्स रिजर्व कर दिए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, कौन से एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर कहा था। और दोस्तों, वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें जो मैक्सिमम आर्टिकल हैं वो एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। और दोस्तों, 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी और इसे बाद में 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाला लाजपत राय हो जाएगा। दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, मराठा और गीता रहस्य नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा द बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। और दादा भाई नेहरू जी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1946 हो जाएगा। दोस्तों, 1946 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भेजने की घोषणा की थी। इसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन का जो कार्य था, भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों व संभावनाओं का तलाश करना था। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, सुभाष चंद्र बोस से पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस से पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। और सुभाष चंद्र बोस को देशनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य उपजा विवाद किस सवाल को लेकर था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति का गठन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति के गठन को लेकर ही सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य विवाद उपजा था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तथा 1939 में भी त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम कब अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1940 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सर आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लोटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, और कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था, और जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विखंडन के लिए लाया गया बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भारत के विखंडन के लिए लाया गया बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की ही उपज थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, जिस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और तत्कालीन ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सर्वप्रथम संगठित और स्वतंत्र भारत के प्लान को लेकर आगे आई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पंजाब ही वो रियासत थी जो सर्वप्रथम संगठित और स्वतंत्र भारत के प्लान को लेकर आगे आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार छापे का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्यसेन हो जाएगा। दोस्तों 18 मार्च 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चट्टगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास को चट्टगांव शस्त्रागार के नाम से जाना जाता है, और इसका जो आयोजन था वो सूर्यसेन ने किया था। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जेबी कृपलानी हो जाएगा। दोस्तों भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था, और सी राजगोपालाचारी भारत की आज़ादी के समय प्रथम भारतीय वायसराय थे। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1935 एक्ट के तहत कौन से राज्य में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंजाब हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1935 एक्ट के तहत पंजाब राज्य में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। और वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें जो मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं वो 1935 एक्ट के तहत ही लिए गए हैं, और 1935 में ही भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी, और भारतीय रिज़र्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1946 की अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने क्या कार्यभार संभाला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कृषि हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य और कृषि मंत्रालय संभाला था, और जॉन मथाई ने उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय संभाला था, और रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के द्वारा संभाला गया था, और वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बीपी मेनन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के जो लेखक थे वो बीपी मेनन थे, और दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो थे वो महात्मा गांधी थे, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, और ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्री इंडियन लीजन सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी कि दोस्तों फ्री इंडियन लीजन जो सेना थी उसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी, और वी डी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गांधी के कौन से अनुयायी एक शिक्षक थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जे बी कृपलानी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गांधी के अनुयायी जे बी कृपलानी थे, और जे बी कृपलानी स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अल हिलाल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अल हिलाल का संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक फेमस पुस्तक भी लिखी गई थी, और कॉमरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, और जमींदार पत्रिका का संपादन मौलाना जफर अली खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। दोस्तों क्रिप्स मिशन को विंस्टन चर्चिल ने ही भारत भेजा था, और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, और क्रिप्स मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए राज़ी करना था, और बदले में भारत को एक औपनिवेशिक दर्जा देने की बात कहना था, परंतु महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पहला एकल व्यक्ति सत्याग्रही विनोबा भावे को कहा जाता है और दूसरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दोस्तों गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसने कराची के 1971 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक प्रोग्राम संकल्प पत्र को प्रारूप दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था कराची में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स मिशन से बातचीत का नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया था, उससे बातचीत का जो नेतृत्व था वो कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चितरंजन दास हो जाएगा। दोस्तों चितरंजन दास ने ही इंडिया फॉर इंडियंस लिखी थी, और चितरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, और चितरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा लिखा हुआ है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आज़ाद हिंद फौज से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आरसी दत्त हो जाएगा। दोस्तों गुरदयाल सिंह ढुल्लो, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह तीनों आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड थे, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में राज बिहारी बोस के द्वारा सिंगापुर में की गई थी, और आज़ाद हिंद फौज का जो सर्वोच्च कमांडर था वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एस एन बनर्जी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन के जो संस्थापक थे वो एस एन बनर्जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हरिपुरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और 1939 का जो अधिवेशन था वो त्रिपुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और महात्मा गांधी के द्वारा ही हरिजन सभा की स्थापना की गई थी जो कि 1932 में की गई थी, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भगत सिंह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।